So, आज तैयारी हो रही है हमारे कल निकलने की. हम लोग डेला जा रहे हैं और ये देखिए अम्मी मुझे आटा गूंद के दे रही है क्योंकि मैं सबके लिए ठेपले बनाऊंगी. तो मैंने अम्मी को काम पे लगा दिया है. अम्मी ने मस्त सा आटा गूंद के रेडी कर दिया है मेरे लिए और अब ऊपर जाके हम तैयारी करेंगे. आपकी तैयारी हो गई? हो गई. पैकिंग भी हो गई? सब हो गई. आटा देखो कितना सारा तो हम सबके लिए अच्छे से एकदम यमी यमी से ठेपले बनाएंगे. अम्मी ने एकदम मेहनत वाला काम मेरे लिए कर दिया है. अब मैं जाके ऊपर जल्दी जल्दी से ठेपले बना लूंगी. ये देखो ये भी आए. आपने क्या किया? मैं खाऊंगा. ये देखो ये भी बैठी हैं. चलो तो अभी मैं ऊपर जाके ये बना देती हूँ. थैंक यू अम्मी. हाँ आपको आपको जलन होती कि हम आपको थैंक यू नहीं बोलते? मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलता अपने घर में, तो स्पेशली किसी को नहीं बोलता. सो मीरा इस बार जो मैं चिपड़ा लेके जा रही हूँ वो मैं इस मुरमुरे का बना रही हूँ. तो वो बन चुका है और वो मैं डब्बों में भर रही हूँ. हाँ ये पहली चीज रेडी हो गई है. तो बहुत यम बना है इस बार. पता है मैंने ये मुरमुरे वाला पहली बार ट्राई किया. मैं हमेशा पोहा का बनाती हूँ जो पिछली बार भी मैंने बनाया. सो सुबह हो गई है. हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है. मैंने सब कुछ कुकिंग करके कार में रखवा दिया है. मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है आज. मैंने ठेपले बनाए, मैंने वो चिवड़ा बनाया जो मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई. फिर मैंने यू नो एक्चुअली उसके बाद ना मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ शूट करूँ क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई. तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट सुबह ही आपसे गप्पे मार लूंगी. सो फॉर नाउ हम लोग बिल्कुल रेडी हैं घर से निकलने के लिए. लेकिन उससे पहले ना मैंने बहुत कमाल की चीज़ अपने घर के लिए मंगवाई थी एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू क्योंकि निकलने से पहले मैं इसे इसकी प्रॉपर जगह पे रख के निकलूंगी. मैंने मंगवाया है ये है फ्रेश कैन कॉम्पैक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बर बाय सिलिकेंट. ये बहुत कमाल की चीज़ है. हम लोग के कबर्ड्स में या किचन कैबिनेट्स में या किसी भी क्लोज्ड स्टोरेज की जगह में ना कभी कभी मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाती है या अजीब सी स्मेल आने लगती है और उस वजह से हमारा जो वहाँ सामान रखा हुआ है वो भी डैमेज हो जाता है. तो उस सब को कंट्रोल में करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है. तीन बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंसेस में मेरे पास ये हैं. एक है रोज, चारकोल और लैवेंडर. तो जो भी क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं जैसे हमारे कबर्ड्स हो गए, किचन कैबिनेट्स हो गए, आप वहाँ इसे रख सकते हैं. शू रैक्स में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के आसपास रख सकते हैं, कार्स में रख सकते हैं. यू नो बिकॉज जब बंद हो जाता है तो वो एक ह्यूमिडिटी आने लगती है. तो बेसिकली इस ये काम कैसे करता है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ जब मैं कबर्ड में रखूंगी. यहाँ पे वाइट कलर के बीड्स हैं तो जब आप इसका लिड हटा के इसे किसी भी स्ट्रेट सरफेस पे प्लेस कर देते हैं तो ये खुद ब खुद जो एयर का मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करता है. एंड आपको ये बदलना कब है? जब ये सारे बीड्स गायब होके यहाँ पे पानी भर जाए. सो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दिस हैज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर. सो मैं तो चलिए अभी इसे रखती हूँ अपने घर के अलग जगहों पे और मैं आपको भी दिखाती हूँ. आइए वेरी सिंपल. ये देखिए ये जो सिल्वर कलर का जो लिड है ना ये हम निकाल देंगे और ये व्हाइट कवरिंग हम ऐसे ही रहने देंगे. सो ये निकाल दिया, इस पे मैंने ये वापस लगा दिया और अपने क्लोजेट में स्ट्रेट सरफेस पे यहाँ रख दिया. दैट्स इट. अब आप थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद इसको देखते रहिएगा, इसको मॉनिटर करते रहिएगा. जब बीड्स गायब हो जाएंगे और नीचे पानी भर जाएगा तब आप रिप्लेस कर दीजिएगा. ऑन द वे रुके हैं चाय और नाश्ते के लिए एंड एज यूजुअल ये देखिए मेरा पूरा का पूरा जो किचन है वो यहाँ पे खुल गया है. हाउएवर हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुके बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो सबने रूम्स में जाके खाया. अम्मी मुझे थेपला खिला दो. तो भाभी ने ये सब कुछ बनाया है, आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत लड्डू बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे बने हैं और तीनों चीज बहुत अच्छे. लड्डू बहुत ही अच्छे हैं, सब चीज अच्छा. बहुत अच्छे अच्छे एकदम मुलायम है ना, एकदम सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने. ये देखो मैं मेकअप करने बैठी थी और ये जनाब आ गए हैं और ये यहाँ वहाँ कहीं मस्ती कर रहे थे तो ये धड़ाम से झाड़ियों में गिर गए हैं इसलिए ये एकदम डर गए.
और ये थोड़ी देर मेरे पास अच्छे बैठे हैं। अच्छा ओके 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 ओके, नहीं शूट करूँ कर्ल, नहीं शूट करूँ, तुम गिर गए। अच्छा अभी हमने इनके लिए आइसक्रीम मंगाई है, तो अब ये पहले आइसक्रीम खाएंगे, तब तक हम इनके साथ ऐसे बैठेंगे, है ना बच्ची? ये देखिए यहाँ पे अम्मी औरों का इतना प्यारा सब फोटो शूट चल रहा है। सो शाम हो गई है और बहुत ही सुंदर सा मौसम है, और अब हम सब लोग गार्डन में जमा हो रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम यहाँ पे बैठ के जो है चाय पियेंगे। पापा बाहर आ गए हैं और ये सब इनकी भी मस्ती कुछ तो चल रही है यहाँ पे। दूसरा पैर भी ऊपर ले लो, ऊपर रख लो, टिक जाओ, टिक जाओ पूरा, ये पीछे ले जाओ पूरा, टिक जाओ। यहाँ से रुक जा, आ गया खाना। इस होकर तो मैं फ्रेंच फ्राइज और चाय, गरम फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू करते हैं। शोएब जनाब को अपना फोटो शूट कराने में बहुत वक्त लग रहा है, तब तक हम लोग ये गरम गरम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। हम लोग मजे से यहाँ पे शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम बहुत अच्छा है ना, तो आप लोगों की छुट्टी कैसी जा रही है? बहुत बहुत अच्छी जा रही है, इतने खुश हैं, देखो चेहरे से दिख रहा है इन लोग, सब लोग इनको पहचान रहे हैं। और जब भी हम मदाहा जाते हैं ना, हमें लिटरली ऐसे सर पे बिठा के रखते हैं सब लोग, और इनका घर तो मेरा मायका है। क्योंकि मेरी हमारी शादी के वक्त मैं वहीं रही थी, और हम शामियाना वगैरह लगा के वही रहे थे, ऊपर नीचे, खाला ये खालू ये चाहिए, इतना परेशान किया था। तो वो तो मेरा मायका है, वो मेरा घर है वहाँ पे। ओले कर्ल, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ नीचे आओगे, नीचे आओगे, कम आजा, कम आजा, आजा आजा आजा, नहीं आजा नीचे आजा, गुस्सा हो गया, गुस्सा है वो आपसे, कुछ है वैसे। हाँ देख बेटा, अभी सब लोग आए, सबको ध्यान देना है ना, घर में तो अकेला तू ही रहता है, हैं मोटू, अभी यहाँ सब लोग हैं ना, बोले बहाना मत दो। हाँ बोले बहाना मत दो, मैं सबसे छोटा हूँ। चलो ताली ताली, हाँ ले, गुच्छा नहीं है मेरे से, गुच्छा नहीं है, पारी नहीं कर रहा, पारी कर ले, पारी कर ले, पारी, हाँ ले कर ले, कर ले, कर ले, मेरी बेइज्जती तो हमेशा करनी है, मतलब कुछ नहीं होगा, ताली ताली ले ताली, हाँ हाँ हाँ, आज 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 तो टहला दे। ये तो सेट हो गया अभी, कर ले, कब तक घूमेगा ऐसे? So, अभी हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बात हुई, हम लोग बैठे हुए थे एंड एक कपल आए हमसे मिलने के लिए, और वो लड़की इतने प्यार से हमसे मिली, वो यहाँ नहीं, वो कुवैत में रहते हैं, वो इंडिया में हॉलिडे के लिए आए हुए हैं, और जिस तरह से वो आए, और सबसे स्पेशल बात और भी ये लगी कि वो सबको इतना देखती हैं और सबको इतना प्यार उन्होंने दिया, सबा को, अम्मी को, हम सबको, शोएब को, मुझे, हमारी पूरी फैमिली को, तो यू नो ये चीज और स्पेशल हो जाती है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को प्यार करे ना अम्मी। हाँ, बहुत अच्छा लगा ना, वो व्लॉग देख के आए, भाई का व्लॉग देखा। हाँ, और अम्मी को तो बहुत खुशी होती कि अम्मी को कुछ दिन पहले कोई नहीं जानता, अब मुझे धीरे धीरे सब जानने लगे हैं। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि फैमिली की खुशियाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइज, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, एंड जब आप लोग पूरी फैमिली को इतना प्यार देते हो ना, हमारी पूरी फैमिली को, तो वो बहुत ज्यादा, वो सबसे स्पेशल लगता है, इट्स लाइक द बेस्ट। एंड ये रील आपने शोएब के इंस्टाग्राम पे देखी होगी, हमने फैमिली सबके साथ ये रील बनाई और सचमुच बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, देखिए। से माशाल्लाह गाइस, मतलब सच में ऑनेस्टली मैं अपने आप को इतना ज्यादा लकी मानती हूँ ना, और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी इतनी
इतनी प्यारी फैमिली है। अब देखिए, आप लोगों ने मेरा जो अम्मी के साथ जो मेरा बॉन्ड है, सबा के साथ जो मेरा बॉन्ड है, वो तो आपने देखा ही है। मतलब और आप लोग भी कमेंट्स में बोलते हो मैंने देखा है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी मदर इन लॉ मिली है और मुझे सबा जैसी ननद मिली है। एंड आई टोटली अग्री टू दैट। इनफैक्ट यू नो वॉट, मतलब बेटी खाला, नाजा खाला, अम्मा, इनके साथ जो मेरा बॉन्ड डेवलप हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे मैं बस दो तीन साल पहले से ही तो इनसे मिली हूँ, उससे पहले। एंड मतलब दे डोंट स्टे हेयर, राइट? तो मैं रोजाना उनके साथ वक्त नहीं बिताती कि इतने कम समय में मुझे उन लोगों से भी इतनी ज्यादा पैम्परिंग और इतना ज्यादा लाड मिला है ना कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उनके घर की बच्ची नहीं हूँ। मैं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीछे यू नो रिवाइंड करके थोड़ा सा सोचूं, सो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आपको ये दांत की स्टोरी पता है। उसके बावजूद मैंने फ्लाई किया, 3 साल मैंने फ्लाई किया। और उसके बाद फिर जब मैंने सोचा कि चलो अब जरा करियर शिफ्ट किया जाए, मैं इस फील्ड में आई एंड मुझे इतनी सक्सेस मिली जो जेन्युइनली सोची नहीं थी। हाँ, चाहते हर कोई चाहता है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। वो मिला, अल्लाह का शुक्र, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्र इतना सारा प्यार देने के लिए। जेन्युइनली मैं इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ ना, अब तक लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, नो कंप्लेंट्स एब्सोल्युटली। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना लाइफ में, वो ये है, मतलब मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है वो अपने लिए, कि मेरी लाइफ में शोएब आए, मेरी शादी शोएब से हुई और मेरी लाइफ में शोएब की फैमिली आई। बिकॉज एक लड़की के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस घर में शादी हो रही हो, जिस घर में जुड़ के पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो घर बहुत अच्छा हो, बहुत समझदार हो। मतलब ऑनेस्टली आप लोगों ने तो देखा ही, आप लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं, मुझे इस घर में ऐसा ही लगता है कि मैं इस घर का एक बच्चा ही हूँ। मुझे वो बहू वाली फीलिंग कभी आती ही नहीं है। आई एम मतलब अम्मी उतना ही प्यार मुझसे करती हैं, उनके लिए उनके बच्चे हैं सबा, शोएब, दीपिका, अभी हम तीनों हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली फैमिलीज एंड जो भी मदर इन लॉज हैं, वुड बी मदर इन लॉज हैं, मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि आपके घर अगर कोई नई लड़की शादी करके आ रही है तो प्लीज़ उसे समझिए, उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। वो डरी है, जो भी है, गिव हर दैट कंफर्ट जोन, यू नो। देखिए, ये बात तो है कि शादी के बाद लड़की को एक नए घर में जाना होता है। अगर ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहे हो, नए घर में जुड़ना है, एक नए परिवार के साथ जुड़ना है, तो मतलब जस्ट एक्सेप्ट हर लाइक योर ओन चाइल्ड और उसे उतना सारा प्यार दो जैसे मेरी अम्मी मुझे देती हैं, मेरी सबा मुझे लाड करती है। तो सारी सिस्टर्स को भी मैं बोलना चाहूंगी कि वो अगर थोड़ा सा भी टशन दिखाना है, प्लीज मत दिखाओ, अपनी बहन जैसे ही उसको रखो, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बेस्ट फ्रेंड रखो उसको। एंड हाँ, ऑब्वियसली लड़की को भी मैं बोलना चाहूंगी कि सारी ईगो, सारी अकड़, रिश्तों में कुछ नहीं चलता, उसको पैक करके सब छोड़ के जाओ, जहां भी छोड़ के जाना है। तो मैंने कई बार कमेंट्स में पढ़ा है कि एक ये बहुत आप लोग पूछते हो कि आप लोग इतने खुश कैसे हो, ननद भाभी में दोस्ती कैसे है, सास बहू में इतना प्यार कैसे है। मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, हमारे घर में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश इसीलिए हैं कि हम सब लोग ना अपने हिस्से के एफर्ट्स पूरी तरह से लेते हैं। मतलब कभी भी किसी तरह का ईगो तो हमारे बीच में आता ही नहीं है, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हाँ, घर में सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी रहे और सब लोग खुश रहे। कोई किसी पे कुछ थोपना नहीं चाहता कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि गलती मुझसे नहीं होती, मुझसे कितनी बार गलतियां होती है, वो एक जबान की बात होती है, वो एक कहने का तरीका होता है कि आप किस तरह से सामने वाले को उनकी गलती बता रहे हो या समझा रहे हो, जब गलतियां गिनवा रहे हो, तो जब वो कुछ अच्छा करे तो अप्रिशिएट भी दिल खोल के एकदम दुगनी तरीके से करो, जैसे मेरी अम्मी मुझे करती हैं। सो मेरा जब लास्ट शो खत्म हुआ, उसके बाद मैंने शोएब को बोला, शोएब अब मुझे ना थोड़े दिनों का ब्रेक लेना है, मैं कुछ समय बिल्कुल काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे घर पे रहना है लाइक अ टिपिकल हाउसवाइफ और मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे उनके लिए ढेर सारा खाना बनाना है।
बिकॉज मुझे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है. यू नो आई थिंक मुझे ये अपने पेरेंट्स से मिला है. बिकॉज मेरे मॉम डैड भी खाना बनाने की या मम्मी तो इनफैक्ट कुछ भी क्रिएटिव चीजें करने की इतनी ज्यादा शौकीन रही है ना, नई नई चीजें बना के सबको खिलाना. एंड मुझे तो बहुत मजा आता है. इनफैक्ट एक चीज, आप लोग, मैं कितने कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो हाय कितना काम करती है. इनफैक्ट कई लोगों ने तो ऐसे भी बोला है कि एक्ट्रेस हो क्या, से क्या बना लिया है खुद को. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको खाना बनाने का शौक है या अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, इसमें आपका प्रोफेशन कहाँ से आ गया कि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकती या मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती. ये चीज मुझे थोड़ी आप लोगों की अटपटी लगती है. एनी वेज आप लोगों के थॉट्स है ऑल बाय, मतलब कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही रहूंगी. मुझे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड और भी ज्यादा खुशी मिलती है जब सामने से बहुत ज्यादा यू नो अप्रिसिएशन मिलता है और सब मेरा बनाया हुआ खाना जब पूरा परिवार साथ में बैठ के खाता है ना एंड सब लोग वो शाम या वो दोपहर या जब भी हम खा रहे हैं वो इंजॉय करते हैं ना, बस दैट इज ऑल डन. एंड इसके लिए ना मैं एक स्पेशल बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने मम्मी पापा को, क्योंकि बचपन से मुझे मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि मतलब जो चीजें आप अपनी फैमिली के लिए करते हो ना वो जताने वाली नहीं होती है कि हाय देखो मैंने आपके लिए ये किया, हाय मैंने आपके लिए बनाया, नहीं. सो आई वुड जस्ट से कि मेरी वो जो नींव है ना वो इतनी स्ट्रांग रखी है मेरे मॉम डैड ने कि बेटा आप जिस भी घर में जाओगे, मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि बेटा बड़े होके जिस भी घर में जाओगे ना उसको हमेशा ऐसे करके रखना. मम्मा भी हमेशा यही सिखाती थी कि तू जब शादी करके जाएगी ना तो तुझे सबका ख्याल रखना है, तुझे सबको ऐसे रखना है. सो आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ देम दैट मैं जिस घर में आई हूँ मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाई. एंड देन ऑब्वियसली ब्लेस्ड तो मैं हूँ ही क्योंकि मुझे वो फैमिली भी इतनी प्यारी मिली है कि वो भी मुझे उसी तरह से समझते हैं एंड हम लोग एकदम अच्छी तरह से अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड और बहुत ही ज्यादा खुश हैं और मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है. आई एम श्योर अगर आप मेरे एज ग्रुप के हो तो आप मेरे नजरिए से सोचेंगे तो आपको भी यही लगेगा. यू नो एट दिस एज आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल चीज है कि आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, दोनों तरफ की फैमिलीज जो है वो इस वक्त बहुत खुश हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी है. मतलब इससे ज्यादा लाइफ में क्या चाहिए, है ना. बहुत बोल दिया ना मैंने आज, बहुत ज्ञान दे दिया ना मैंने. बस मन किया कि बहुत दिनों से आप लोगों से दिल खोल के बात नहीं की है तो आज थोड़ी दिल खोल के बात कर ली जाए एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए. सो अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे ढेर सारा शेयर कीजिएगा. जितनी चीज़ें आप इससे सीख पाएं प्लीज़ सीखिएगा और बस आप लोगों को ढेर सारा प्यार. लव यू ऑल.